प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिलासपुर ने जिला के दो शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला के दो स्कूलों के प्रधानाचार्यों से लिखित रूप से प्राप्त शिकायत के आधार पर उप निदेशक ने ये कार्रवाई की है। मामला दरअसल ये है कि उक्त शिक्षक लंबे समय से ऑनलाइन पढ़ाई में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे थे। ये शिक्षक अपने विषय को लेकर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपनी क्लासेस नहीं ले रहे थे और ना ही अपनी कोई समस्या या फिर क्लास ना होने का कारण प्रधानाचार्यों को बता रहे थे। ऐसे में इस सारे मामले को लेकर जिला के दो स्कूलों के प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत उपनिदेशक से की, जिसके चलते बिलासपुर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने तुरंत प्रभाव रहते ही कार्रवाई करते हुए एक शिक्षक की सैलरी रोकी है, जबकि दूसरे शिक्षक को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से अन्य शिक्षकों में भी हड़कंप मच गया है। उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई ब्लॉक एलिमेंट्री ऑफिसर के माध्यम से की गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोविड काल में सभी पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है, ऐसे में दिन में 1 से 2 घंटे ही कक्षाएं लग रही हैं, तो फिर शिक्षक को क्लास लेने में क्या परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में अगर कोई परेशानी है तो उन्हें सूचित करना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में भी उन्होंने अपने प्रधानाचार्य को अवगत नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि जानकारी और बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल सही नहीं है, जिसके चलते ये कार्रवाई अमल में लाई गई। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ये जो शैक्षणिक सत्र चला है 21-22 का, इसमें हर घर पाठशाला के माध्यम से हमारे बच्चों तक जो है पढ़ाई पहुँच रही है और टीचर्स के जो है इसका फीडबैक लेते हैं बच्चों से, और उसका जो हम रिपोर्ट है डेली हमारी पूरे पांचों ब्लॉकों से आती है, उसमें नंबर ऑफ टीचर्स हमारे जो है उस पर रिफ्लेक्ट होते हैं और जो बच्चों से नहीं जुड़े होते उनकी संख्या भी रिफ्लेक्ट होती है। और इस तरह से हमने 2 टीचर्स को जो है शो काज इशू किया है, एक प्राइमरी टीचर है एक TET है जो बच्चों से नहीं जुड़े हुए हैं, और पिछले सत्र में एक टीचर की हमने सैलरी रोक दी थी और दूसरे टीचर को वार्निंग दी है अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसकी सैलरी भी रोक दी जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा इशू रहता है कि अगर हम सैलरी रिलीज करते रहें तो हो सकता है कि कैसी कैजुअलिटी हो जाए और सैलरी को रिफंड करना मुश्किल हो जाता है जब तक कंसर्न टीचर का जवाब नहीं आ जाता।